हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्वी रंगदार जिंदगी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आप छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, पूरी जरूर सुनिएगा। जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंगदार जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। एक बार एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही सुंदर पत्थर मिला, जिसको लेकर वो घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक और पत्थर मिला, उसे भी उठाकर वो घर की ओर चल पड़ा। घर आकर उसने उस पत्थर को उठा लिया और कारीगरी करने शुरू कर दी। औजारों की चोट जब पत्थर पर पड़ी तो पत्थर चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है। शिल्पकार घबरा गया और बोला, ये कौन? पत्थर बोला, मैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर जाऊंगा, तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई, उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बना ली। गाँव के लोगों को एक मूर्ति की जरूरत पड़ी, जिसे मंदिर में स्थापित करना था। वो उनके पास गए और शिल्पकार से मूर्ति मांगी। शिल्पकार ने उन्हें मूर्ति दे दी। गांव के लोगों ने कहा, हमें एक पत्थर भी चाहिए। शिल्पकार ने वही पत्थर उठाकर दे दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिए आता तो उस मूर्ति पर फूल चढ़ाता, दूध से स्नान कराता और प्रसाद चढ़ाता। नारियल को उस पत्थर पे जो की जमीन पे रखा गया था उस पे तोड़ता। उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से रह रहे हो, तुम्हारी पूजा करते हैं लोग, तुमको दूध से स्नान कराते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, सब कुछ, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर चले जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय चुप रहते और चीखते नहीं तो तुम आज मेरी जगह होते, लेकिन तुमने आराम वाला रास्ता चुना, इसलिए तुम्हें अब दुख मिल रहा है। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकल के देखना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन ही हमें कमजोर बनाता है। वैसे भी ना, लाइफ को जीना और लाइफ को ढोना दोनों अलग बातें हैं। लाइफ को जीने से मतलब कि आप लाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको लाइफ में जीना, कुछ एम है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ आप नया कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हुए हैं, तभी आप लाइफ को जी पा रहे हैं। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको असली मजा मिलेगा जीने का। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।